हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। जैसा कि मैंने आपको महाधरना से संबंधित कुछ अपडेट्स के बारे में, UP SSC में हुई हलचल के बारे में मैंने आपसे बातचीत किया था। आज उसी परिप्रेक्ष्य में आप लोगों के बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आबकारी रिजल्ट है, मंडी परिषद का है, ये सारे रिजल्ट हमारे आखिर क्या होंगे। कई उसमें मुझे कमेंट्स के माध्यम से ऐसे भी मिले कि आयोग में जो ये नई हलचल हो रही है, क्या इसका संबंध नई भर्तियों से भी है? तो बिल्कुल हाँ, जो आपकी अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है आयोग के द्वारा, उनमें सबसे बड़ी वैकेंसी के बारे में जिनका जिक्र मैंने इससे पहले भी किया है, हाय अल्लाह की रवैया सरकार का और ढुलमुल आयोग, इन दोनों का अगर हम जिक्र करें तो ये दोनों ही दोनों इस समय विरोधाभास की स्थिति में चल रही है। वर्तमान परिस्थिति कहीं ना कहीं इस संदर्भ में आपको अस्पष्ट रूप से परिलक्षित दिखाई देगी। लेकिन यहां जिस संदर्भ में मैं बात करने आया हूं, अभी आयोग के द्वारा आपको आयोग क्या आज के प्रमुख आपके जो अखबार रहे इनकी हेडलाइंस के तौर पर आपको लेखपाल की वैकेंसी, जो कि मैं आपको जनवरी के लगभग नवंबर माह से लगातार अपडेट के तौर पर बता रहा हूं। यह विज्ञप्ति इतनी बड़ी चीज कि अभी भी आज न्यूज़पेपर की कटिंग आपने पढ़ा कि लेखपाल के 5200 पद आने वाले हैं। लेखपाल के पद अगर हकीकत में देखा जाए वास्तव में खाली ज्यादा है। उसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि सरकार के निर्देश के बावजूद अधिकारियों ने जो है अभी तक ब्यौरा नहीं। अगर सरकार का आप भी जानते हैं कौन सी ऐसी सरकार होती है जो दबाव दे और प्रशासन उसके अंडर में कार्य ना करे। लेकिन यह बहुत बड़ी खुशखबरी है UP SSC की ओर से कि 5200 लेखपाल के पद आपके वर्तमान में सृजित किए गए हैं, जिलों से उनका ब्यौरा आ चुका है। UP SSC के द्वारा UP SSC को अध्याचन भी भेजा जा चुका है शासन के प्रस्ताव के बाद। ठीक है, एक अधियोचन यानी सीटों का ब्यौरा जिनमें पूरे की पूरी सीटें डिवाइड होती हैं। दूसरी बात, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, ये जो वैकेंसी दो तरीके की लेखपाल की होती है, एक आपका होता है राजस्व लेखपाल, एक होता है आपका जो है लिए चकबंदी लेखपाल। चकबंदी लेखपाल चूंकि उत्तर प्रदेश में अभी चकबंदी आनी नहीं है, इसलिए इसकी वैकेंसी 2015 में हुई थी, उसके बाद कोई भी वैकेंसी की अभी डिटेल नहीं है। वो भी वैकेंसी आपकी अभी भी कोर्ट में उसकी रेट पड़ी हुई है, उन पर लगातार सुनवाई चल रही है। अभी जो 5200 वैकेंसी आपके सामने आई है, इस वैकेंसी में अगर आपसे बात किया जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें राजस्व लेखपाल के आपके सारे पद संकलित किए गए हैं, समाहित हैं, 5200 बताया गया है। ये वैकेंसी सबसे पहले आप ध्यान रखिए 2015 में भी ये हुई थी, ठीक है, उसके बाद आपकी ये वैकेंसी जो है अब होने जा रही है। पद तो इसमें 13,000 थे, लेकिन शासन की पता नहीं क्या मिली भगत रही, ये कहीं ना कहीं छात्रों के खिलाफ अन्यायपूर्ण भी बातें हैं। ठीक है, उस दिन धरने पर जो लगातार रिजल्ट्स के बारे में अपडेट बताया गया, आयोग कह रहा था हम बहुत सारे रिजल्ट्स पर इस समय काम कर रहे, शोध चल रहा, ठीक है, तमाम ऐसी चीजें उनके द्वारा कहने को आई। लेकिन आप हालात पर देखो, जो अभी आगामी परीक्षा हो चुकी, देखो स्टेनोग्राफर भी अध्याचन तैयार है, लेकिन अभी तक आयोग के द्वारा क्यों नहीं आ रहा, ये बहुत बड़ी चीज है। कहीं ना कहीं शासन की ये लापरवाही है, आ जाना चाहिए था स्टेनोग्राफर भी, 700 वैकेंसी के करीब है। लेकिन बहरहाल जो 5200 वैकेंसी आई है, इस पर क्या कैसे होना चाहिए, कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जिनके लिए मैं आपके सामने आया हूं। सबसे पहली चीज, ये विज्ञप्ति आपकी राजस्व लेखपाल की है, इस महीने के अंत तक, ठीक है, अभी 15 मार्च तक आपका लोअर का मेंस जो है अपडेट होना है, लोअर का पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद इसकी विज्ञप्ति आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसमें लेखपाल, ये राजस्व लेखपाल है, सबसे पहले 2015 में जो परीक्षा हुई थी उसमें इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगता है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षिक अर्हता, 12वीं स्तर आप पार कर चुके हों यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज, उस समय CCC का दौर चल रहा था, ठीक है, इंटरव्यू भी होता था, 80 नंबर का पेपर होता था, 100 प्रश्न आते थे और 20 नंबर आपके इंटरव्यू में होते थे। इस बार इंटरव्यू ग्रुप सी की सारी वैकेंसियों से UP SSC के खत्म हो चुका है, तो इंटरव्यू तो साफ है कि इंटरव्यू नहीं होना है। इसी क्रम में जैसे उस बार जो पेपर हुआ था 15 वाले पेपर में बात करें, 4 पोर्शन आपके होते थे, 25-25 क्वेश्चन 4 पोर्शन से रखे गए थे। हिंदी का 25 क्वेश्चन था, गणित के 25 क्वेश्चन थे, उसके बाद सामान्य ज्ञान का 25 प्रश्न था और 25 क्वेश्चन आपके ग्रामीण परिवेश से संबंधित, जैसे उत्तर प्रदेश में भूजोत की इकाइयां क्या हैं, आपके जमीन से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चल रही, फसल चक्र से संबंधित, इन सभी चीजों से संबंधित सवाल होते थे। देखो CCC तब अनिवार्य था, अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये पूर्णतः शासन पर डिपेंड हो चुका है। ठीक है, हो सकता है ये ऐसा किया जाए। दूसरी बात ये रही, जब इंटरव्यू आखिर समाप्त हुआ तो इसमें क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे, बिल्कुल उम्मीद है, ठीक है,
उम्मीद ये बिल्कुल है कि जो ये पेपर अभी तक आपके 25 जो है 2500 का 100 होता था, ये पेपर कहीं ना कहीं नंबर आप क्वेश्चन इसमें बढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज स्पष्ट रूप से परिलक्षित है कि इसमें जो पहले आपके क्वेश्चन होते थे वो क्वेश्चन अब बढ़ने वाले हैं। दूसरी बात, रीजनिंग और आज इन सारे प्रश्नों पर अगर बात करें आयोग के, तो आयोग का वर्तमान रवैया जो इसने 2019 में पेपर कराए हैं, आप उसके स्टैंडर्ड से अच्छे तरीके से वाकिफ है। तो टीम इसी पर विचार कर रही है। अभी जो इसके अध्याचन चूंकि भेजा गया है, अध्याचन मंजूर होगा। सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है, कंपटीशन आपका क्यों टफ होता है, क्योंकि इसकी वैकेंसी जिलेवार होती है। इसकी जो वैकेंसी होगी वो जिलेवार होती है, ये नहीं कि आप 5200 के लिए पूरे के पूरे आरी हो गए। हर अलग अलग जिले में वैकेंसियां जो होती हैं, भर्ती जो होगी, इसकी संख्या घटेगी बढ़ेगी, किसी जिले में ज्यादा होगा किसी जिले में कम होगा। ऐसे जिले जहां पर डेवलपमेंट संबंधित या उसके क्षेत्रफल संबंधित ज्यादा चीजें, वहां एक से अधिक राज्यपाल की पोस्टिंग होती, लेखपाल की पोस्टिंग होती है। तो इसको ध्यान रखना है अपने दिमाग में। दूसरी बात, इंटरमीडिएट 18 से लेकर 40 साल तक की आपकी उम्र मांगता है, 12th आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएससीसी में फीमेल की कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी स्वतंत्रता सेनानी, इन सभी को इसमें छूट मिलेगी, ठीक है। इन सभी के लिए रिजर्वेशन होता है। तो हर जगह जहां पर जैसी जैसी भर्ती होगी आपकी, जितने पद होंगे उन पदों में उनमें पूरी की पूरी एक जो है, जैसा कि आरक्षण का प्रावधान है आयोग का, वैसा प्रावधान किया जाएगा। तो फाइट अच्छी होने जा रही है इसके लिए। देखो जैसा कि इसमें अभी तक आप 19 के पेपर में अपडेट होंगे, सारे पेपर्स आपने दिया है, तो अभी जैसे बहुत सारे लोगों में उपापो की स्थिति बन जाती है कि आखिर जो ये सिलेबस आपका दिया है, ठीक है, चार चीजें हैं मैंने बताया, आधार बिंदु, सामान्य हिंदी के प्रश्न आपके 25 थे, गणित के 25 प्रश्न थे आपका, उसके बाद सामान्य ज्ञान का 25 प्रश्न था, और ग्रामीण परिवेश से संबंधित 25 क्वेश्चन थे, यानी 100 क्वेश्चन थे, 80 नंबर का सवाल था। इस बार कहीं ना कहीं बढ़ेगा, बिल्कुल साफ है रवैया। लेकिन आयोग पर अभी ये चीजें देखनी है, क्या आयोग CCC को मान्यता दे रहा है या नहीं, क्योंकि उस बार ये कंपलसरी था, इस बार आयोग की नीति में कहीं ना कहीं परिवर्तन होना है, ठीक है। हो सकता है सिर्फ कंप्यूटर ज्ञान लिख दे, ऐसा भी है कि आयोग आपको सिर्फ कंप्यूटर ज्ञान लिख दे कि कंप्यूटर का ज्ञान उसे होना चाहिए CCC की जगह पर, ठीक है। तो ऐसे लोग जो अभी तक नहीं किए हैं CCC, मान लीजिए इसकी वैकेंसी, हो सकता पिछड़ भी जाए, लगभग 25 से 30 दिन आपके पास मौका होगा। तो अभी मार्च वाले सेशन में चूंकि एडमिशन चल रहे हैं CCC के, आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल करके और सीधा परीक्षा जाकर के दे सकते हैं। इस समय आपके पास मौका है, जिन लोगों ने CCC नहीं कर रखा वो लोग दे सकते हैं परीक्षा, ठीक है। दे करके आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा, उस दौरान बाद में जब आपकी सारी चीजें होंगी तो वो सब देखा जाएगा वहां पर। लेकिन अभी सारे लोग अपने आप को अपडेट करो, लगभग सिलेबस सारे लोग पढ़ रहे हो, टीम के द्वारा जल्द ही, ठीक है, जैसे लोअर मेंस का हमने आपको परीक्षा प्लस हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर दोनों पेपर, पेपर 1 पेपर 2 का हमने डेमो टेस्ट पेपर अपलोड कर दिया है, इससे संबंधित क्रैश कोर्स होगा। ऐसे ही लेखपाल के लिए जल्द ही आपको जो इसका डेमो पेपर है, मानक स्तर है, यानी जिन चीजों से अभी जैसे ग्रामीण परिवेश अपने दिमाग में क्या छा जाता है यार, कैसे कैसे प्रश्न होंगे, लेकिन चूंकि उस बार का जैसा कि इंटरव्यू में प्रश्न जैसे होते थे, जैसा कि प्रश्न इसके आपके रिटेन एग्जाम में पूछे गए, इन सारे आधारों को देखते हुए हम लोग, ठीक है, आपके इन सिलेबस को तैयार करेंगे। पूरा डेमो पेपर होगा, उस पेपर को आप अभी से परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि उस पर जो जो आपके जैसे डेमो टेस्ट पेपर अपलोड किए जाएं, इसका फुल क्रैश कोर्स भी होगा, उसके संबंध में भी सूचना होगी, ठीक है। इन सारी चीजों पर आपको तैयार रहना है, चैनल इसको जरूर सब्सक्राइब करना है। कुछ अन्य भी बातें होंगी जैसे इसके निर्णय के बावजूद, तो जो लोग पूछ रहे थे लगातार कि आखिर आयोग की नई विज्ञप्ति क्या होगी, नई भर्ती क्या होगी, नई भर्ती आप सभी के सामने है, एक नया अच्छा सुनहरा मौका है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे सवाल हैं जिनको आप दिन ब दिन पढ़ रहे हैं, लगातार ऐसी इसमें चीजें आ रही हैं जिनकी तैयारी आप लगातार हर दिन कर रहे हो, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। जो कुछ होगा उसमें टीम पूरी तरीके से आपके साथ है। आपने इससे पहले लोअर जब हमने प्रीलिम्स चलाया था उसमें देखा सारी चीजें, वीडियो की टेस्ट सीरीज रहे, सारी चीजें हमने चलाई है, और एक मानक स्तर पर आयोग को पूरा का पूरा पेपर हमारा फॉलो किया है। अभी भी आप लोअर मेंस का पेपर जाकर के देखिए, आपको स्टैंडर्ड के बारे में मालूम चलेगा कि टीम के आखिर मानक कैसे हैं हमारे, ठीक है। आप जैसा सोचते हैं आयोग के पेपर देखते हैं, क्या टीम उन चीजों पर खरा उतरती है, उसके लिए आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करिए, टेस्ट पेपर जाकर के दीजिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा परीक्षा प्लस टीम से बेहतर कोई भी नहीं है। चाहे जो भी चीजें आप देखोगे, हर एक चीजें सुचारू रूप से बहुत अच्छे वे में मैनेज्ड आपको मिलेंगी, ठीक है, ऐप पर ही। और तमाम ऐसे आप प्रोग्राम हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं
जो भविष्य में UPSSSC से संबंधित जो भी चीजें होंगी उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी। तो लगातार टीम के साथ संपर्क में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस पर जैसे ही अगली अपडेट होती है, ठीक है। जो लोग आबकारी और अन्य भर्ती परीक्षाओं के बारे में पूछ रहे थे, मैं उन्हें एक चीज बताना चाह रहा हूं कि आप हमेशा इस चीज को मानिए, इस समय आयोग लोअर वाले पर कार्य कर रहा, इसके बाद 16 की अन्य वैकेंसियां हैं उन पर आयोग आएगा तेजी से। वन रक्षक वाले थोड़ा सा अवेयर हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आयोग पूरी तरीके से, ठीक है, रिजेक्टेड लिस्ट आ चुकी है आयोग में, इस समय यह भी चल रहा है कि वन रक्षक की परीक्षा कब होनी है, ठीक है। तो वन रक्षक की हमें अगली खबर मिलनी है, इसलिए जितने भी लोग वन रक्षक फॉर्म डाले हैं वो लोग अपने आप को अवेयर करना शुरू कर दें। जल्द ही उसकी भी टेस्ट सीरीज के बारे में डेमो टेस्ट पेपर आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ चकबंदी के से संबंधित आपकी जो भी चीजें होंगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पर आपको डेली पूरे PDF दिए जाते हैं, लेक्चर्स दिए जाते हैं। फेसबुक ग्रुप से हमारे जुड़िए, यूट्यूब तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस पर क्लासेज हम आपको पूरी देंगे, क्रैश कोर्स होगा साथ ही साथ, ठीक है, सब कुछ आपको हम यहाँ उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ ऐप डाउनलोड करना है। अगली जब मैं आपके सामने अगली बार आऊंगा तो जो सूचनाएं आपको चाहिए, ठीक है, जिन जिन चीजों को आपको अभी भी पूछना है, आप कमेंट के माध्यम से बताते रहें, टीम उस चीज का एनालिसिस करेगी। कुछ ऐसे सोर्स हैं जिनके माध्यम से हम पता करेंगे कि मौजूदा आयोग किस आपके रवैये पर चल रहा है, और वहां से जो सूचनाएं होंगी वो आपके सामने मैं रखूंगा। तो आप सभी से इतनी सूचना के साथ मैं विदा ले रहा हूं, इससे अगला जो अपडेट होगा वो जल्द ही मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक आराम से मस्त होकर पढ़ते रहिए, ठीक है, और कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। वैकेंसी आ गई है तो टीम आपके साथ है, क्योंकि हम लोग जिस टैगलाइन पर काम कर रहे हैं, परीक्षा के साथ भी और परीक्षा के बाद भी, नई पर वैकेंसी होगी उसकी भी अपडेट है, परीक्षा में जो चीजें हैं उसके लिए क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, पूरा मटेरियल है फुल, ठीक है। तो कहीं भी परेशान नहीं होना है, पूरी तरीके से एकदम मना है स्थिति, आप अपने आप को संजोए और, ठीक है, अपने आप में ऐसा आधार लाएं कि हम जहां पर हैं वहां परफेक्ट हैं और टीम आपके साथ पूरी तरीके से खड़ी है। तो मैं आप सभी से विदा ले रहा हूं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नए अपडेट के बारे में, तब तक मस्त होकर पढ़िए, सारी टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है, धन्यवाद।